अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ भी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लगन से और मेहनत करते होंगे। और आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज मुंतखब हदीस से जो है मैं बहुत बेहतरीन आज हदीस मैं पढ़ने वाला हूँ। हाँ, इसमें सारी हदीस बहुत ही जो अल्लाह का हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, और ये हदीस में वो सारी बातें हैं। नमाज से रिलेटेड मैं एक ऐसी हदीस है जो मैं अभी पढ़ूंगा, वो है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप मेरे ईमान वाले बंदों से कह दीजिए कि वह नमाज की पाबंदी रखे, और जो कुछ हमने उनको दिया है, जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है, जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको दिया है उसमें से कुछ खुफिया, खुफिया मतलब होता है छिपा कर, खुफिया और एलानिया मतलब जाहिर करके, खुफिया और एलानिया मतलब जाहिर करके खैरात भी किया करें, लोगों की मदद भी किया करें, खैरात भी किया करें। और उस दिन के आने से पहले पहले कि जिस दिन ना कोई खरीद व फरोख्त होगी, उस दिन से आने से पहले पहले, ये उस दिन की बात की जा रही है, क्या कह रहे, उस दिन के आने से पहले ना कोई जो है खरीद व फरोख्त होगी, कि कोई चीज देकर नेक अमाल खरीद लिया जाए, और ना उस दिन कोई दोस्ती काम आएगी। दुनिया में तो दोस्त बोलते मेरे दोस्त बहुत काम आएंगे, बहुत काम है। और ना उस दिन कोई दोस्ती काम आएगी कि कोई दोस्त तुम्हें नेक अमाल दे दे। तो बहुत इतनी बहुत बड़ी बात है, सच्ची बात है। अल्लाह ताला ने जो भी दिया है उसमें हम लोगों को जो है हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने नमाज छोड़ दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिस शख्स ने नमाज छोड़ दी वह अल्लाह ताला से ऐसी हालत में मिलेगा, अल्लाह ताला से ऐसी हालत में मिलेगा कि अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज होंगे। किसके बारे में बोले जाए? नमाज छोड़ने वाले के बारे में बोले। बहुत बड़ी हदीस है, ये बहुत बेहतरीन है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने नमाज छोड़ दी वह अल्लाह ताला से ऐसी हालत में मिलेगा कि अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज होंगे, अल्लाह माफ करे, सख्त नाराज होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म किया करो, 7 साल अगर बच्चे का हो जाए तो नमाज का हुक्म किया करो, और अगर 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़ने की वजह से, अगर 10 साल हो गया नमाज ना पढ़ रहा है तो उसे मारो भी, उसे मारो। और इस उम्र में पहुंचकर बहन और भाई को अलहदा अलहदा मतलब उर्दू में सॉरी मतलब अलहदा अलहदा मतलब अलग 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 जो है बिस्तर पर सुलाए। देखिए इस फायदा ऐसी मार हो जिससे कोई जिस्मानी नुकसान ना हो, मतलब मार अब बच्चे को ऐसा नहीं कि खूब मतलब मार के पीट दिया जाए, तो ऐसी मार हो जिसमें कोई जिस्मानी नुकसान नहीं हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोजिन की अजान, मोजिन साहब जो अजान देते हैं, आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। अल्लाह हू अकबर। मोजिन साहब जो अजान देते हैं जहाँ जहाँ उनकी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ 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 तक उनकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। हर जानदार और बेजान जो उसकी अजान को सुनते हैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। एक रिवायत में है कि हर जानदार और बेजान उसकी अजान का जवाब देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात हुई, बहुत बड़ी बात है। और अगर
आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। इसी तरीके से मैं डेली जो है इसी समय मगरिब के बाद तालीम करता हूँ और मैं डेली वीडियो डालता रहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का शेयर करें ताकि आपके बहुत ऐसे भाई हैं जो मतलब तालीम दिन की बातें जो है मतलब टाइम नहीं मिलता या टाइम नहीं निकाल पाते या सकती या शैतान के बहकावे में आकर नहीं जा पाते मस्जिद या तालीम नहीं कर पाते, उन तक ये वीडियोस पहुँचे ताकि वो भी सुने और इस पर अमल करने वाले बने। अल्लाह, और आप लोग अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।